हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज दिव्यांग शर्मा और लर्निंग बाय डूइंग की एक और वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और कैनवा पे ही होने वाली है। अगर कैनवा से रिलेटेड पिछली दो वीडियोस आपने नहीं देखी अभी तक और आप कैनवा पे एडिटिंग करना चाहते हो तो पहले आप वो वाली वीडियो जाके देखो, आपको ये सजेस्ट करूँगा मैं। और अगर आपने देखी है तो ये वीडियो एडिटिंग बेसिकली इस चीज़ पे बेस्ड है। तो ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आज अपने फ़ोन पे या लैपटॉप में आप इंस्टॉल कर सकते हो और वीडियोज़ को ट्रिम भी कर सकते हो और वीडियोज़ पे फिल्टर्स भी लगा सकते हो। लेकिन मैं कैनवा क्यों सिलेक्ट कर रहा हूँ, वो इसलिए सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि कैनवा मेरे को एक इंडिपेंडेंस देता है कि मैं अपने प्लेटफॉर्म के डायमेंशन के हिसाब से वीडियो को एडिट कर सकता हूँ, वीडियो को डिज़ाइन कर सकता हूँ। डायमेंशन का मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि आप YouTube पे वीडियो देख रहे हो तो YouTube पे जो वीडियो देखी जाती है ना, तो उन वीडियो का एक फिक्स्ड साइज होता है। अगर YouTube के साइज से छोटी वीडियो या साइज से बड़ी वीडियो होगी तो वीडियो देखने में उतना मज़ा नहीं आएगा। इसी तरीके से Facebook, Instagram, हर एक प्लेटफॉर्म का अपना एक डायमेंशन होता है ना। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं क्रिएट डिज़ाइन में जाऊँगा तो YouTube थंबनेल, Instagram, Facebook, इन चीज़ों का मतलब ये है कि इनके साइज अलग अलग हैं, इनके लेंथ इंटू ब्रेथ, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा आपने, ये अलग अलग हैं। तो अभी देखते हैं कि सबसे पहले YouTube का साइज क्या है। तो YouTube का साइज होता है कुछ रेक्टेंगुलर शेप का, है ना, जिसमें कि आपका इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखता है। अब अगर आपको कोई वीडियो को एडिट करना है तो वीडियो एडिट करने के लिए सबसे पहले आप जाओगे अपलोड्स सेक्शन में। अपलोड्स का मतलब यह है कि ऐसी कौन सी वीडियो है जो आपने अपलोड करी है या ऐसी कौन सी इमेज जो आपने अपलोड करी है अपने कंप्यूटर से। तो जैसे कि यहाँ पे अगर इस ऑप्शन पे जाओगे तो आप अपने कंप्यूटर से, लैपटॉप से वीडियो को अपलोड कर सकते हो, और अगर यहाँ पे ऑलरेडी कुछ चीज़ें अपलोडेड हैं तो आप इनको ही एडिट कर सकते हो। इमेजेस के साइड में जाता है वीडियोस का सेक्शन। तो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ कुछ वीडियोस ताकि मैं आपको एडिटिंग करके दिखा सकूँ, ट्रिमिंग करके दिखा सकूँ। सबसे पहले देखते हैं कि ट्रिमिंग कैसे होती है। जैसे मान लीजिए ये एक वीडियो है जो मेरी स्क्रीन पर आ गई, ये एक लेक्चर है जो कि आपने देखा होगा इस चैनल पर, और अगर मैं इसको लेक्चर को बिल्कुल प्लेन कर दूं, यानी कि इसके ऊपर और नीचे जो डिटेल्स थे उनको ख़त्म कर दूं, तो आपको समझ नहीं आएगा ना कि ये लेक्चर किस बारे में है। तो मान लीजिए कि ये ऐसा ही लेक्चर आपने रिकॉर्ड किया होता अपनी स्क्रीन से। मान लीजिए आप एक लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हो, एक वाइट बोर्ड पे लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हो मान लो, या आप एक प्रेजेंटेशन बना रहे हो और आप उसमें चाहते हो कि आप वीडियो के ऊपर और नीचे डिटेल्स लिखो, तो उसी तरीके से मैं भी चाहता हूँ। तो मैंने सबसे पहले बैकग्राउंड चेंज कर दिया, उसके बाद मैं टेक्स्ट एडिट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट के लिए अपना वही शॉर्टकट टी यूज़ करूँगा, है ना। टेक्स्ट पे मैंने सबसे पहले यहाँ लिख दिया केमिस्ट्री, मेरे सब्जेक्ट का नाम है केमिस्ट्री, और मैंने लिख दिया चैप्टर वन, ठीक है। इसके बाद चैप्टर वन का जो भी नाम है मैं तो वो भी लिख सकता हूँ, तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ये मेरे चैप्टर का नाम है। और मैं चाहता हूँ कि मैं इस पूरे जो मेरे टेक्स्ट है इसको ऊपर, क्योंकि अभी आपको नहीं दिख रहा क्योंकि इसका कलर ब्लैक है और ब्लैक के ऊपर ब्लैक तो दिखेगा नहीं, इसके कलर को भी मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। साथ के साथ देखो साइज भी थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो इसके साइज को भी मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। लेट्स से मैंने इसका साइज थोड़ा सा कम करके 28 कर दिया। 28 करते ही अगर इसे मैं एडजस्ट करूँगा तो ये मेरे को बिल्कुल प्रॉपरली दिखेगा। तो ऊपर मैंने क्या लिख दिया, केमिस्ट्री चैप्टर वन केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो मेरे को इससे ये समझ में आ गया कि चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस है। मान लो नीचे भी मैं कुछ लिखना चाहता हूँ और मैं लिखना चाहता हूँ बाय दिव्यांश शर्मा, कि मैंने ये जो प्रेजेंटेशन बनाई है ये दिव्यांश ने बनाई है, ये जो वीडियो बनाई है दिव्यांश ने बनाई है, तो दिव्यांश शर्मा मैंने यहाँ पे लिख दिया। और इसको मैं नीचे लिखना चाहता हूँ, कभी एक बार कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको ब्लैक पे दिखे, इस तरीके से मैंने देखो नीचे लिख दिया। तो देखो 2 मिनट का काम है और इसमें बहुत सारे लोगोज भी आप एडिट कर सकते हो, एलिमेंट्स भी। मान लो आप कोई एलिमेंट ऐड करना चाहते हो, एलिमेंट का मतलब है कोई एक्स्ट्रा आपने टूल यूज कर लिया मान लो, ठीक है। तो जैसे कि मान लो मैंने ये टूल यूज किया और यहाँ पे मैं इसी वीडियो के बीच में मैं यहाँ पे डालना चाहता हूँ इम्पोर्टेंट, ठीक है, टॉपिक। तो मैंने टी करके इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे लिख दिया, राइट। तो अगर ये इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है ये मैं अपने स्क्रीन पे ले जाऊँ, यानी कि उस बॉक्स पे ले जाऊँ जो कि मैंने यहाँ पे बनाया था, तो वीडियो जो है वो किस किस तरीके से दिखेगा, अब इसे देखना चाहूँगा।
देखो किस तरीके से ये बढ़िया दिख रहा है मेरे को। अब मान लो कि मैं इंस्टाग्राम के डायमेंशन पे एडिट करना चाहता हूँ, ये तो फेसबुक का और सॉरी यूट्यूब का। अब मैं इंस्टाग्राम के डायमेंशन में एडिट करना चाहता हूँ, राइट, क्रिएट पे गया, इंस्टाग्राम स्टोरी पे गया, या स्टोरी तो हो गया मेरी जो स्टोरी सेक्शन में लगा दें, पोस्ट पे चला जाता हूँ। पोस्ट में मैं एकदम वैसा साइज एडिट करूंगा जैसा कि पोस्ट का साइज होता है, राइट। तो अगेन अपलोड्स पे गया, क्या मैंने यहाँ पे कोई वीडियो अपलोड करी है? हाँ मैंने वीडियो अपलोड करी है, यहाँ पे तो बहुत सारी वीडियोज हैं, उनमें से मैं कोई सी भी एक लेट से चार्जर वाली वीडियो एडिट करना चाहता हूँ, इसके कुछ पार्ट को करना चाहता हूँ। पिछली वीडियो में ट्रिम नहीं दिखाया, वो भी मैं इसमें दिखा दूंगा। अब जिस वीडियो को मैं इसे ट्रिम करूँ तो ट्रिमिंग का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, बताएगा कि आप कहाँ से ट्रिम करना चाहते हो। देखो जैसे कि मान लो मैं 1 सेकंड से ट्रिम करना चाहता हूँ, तो मैंने डन कर दिया 1 सेकंड से, तो अब ये वीडियो जो प्ले होगी वो 1 सेकंड से पहली चीज। फिर उसके बाद वही पिछले वीडियो की तरह की, अगर इसका मैं टेक्स्ट एडिट करना चाहता हूँ, या मान लो यहाँ पे मैं येल्लो में लिखना चाहता हूँ, तो टेक्स्ट लगाऊंगा यहाँ पे इनसाइड अ मोबाइल चार्जर, मैं इसमें लिखना चाहता हूँ। मान लो ये मैंने इसके ऊपर लिख दिया, राइट, इनसाइड अ मोबाइल चार्जर। अब अगर मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक इंस्टाग्राम वीडियो है, इंस्टाग्राम वीडियो, नीचे मैंने लिख दिया इंस्टाग्राम वीडियो, तो इस तरीके से ये वीडियो जो है इंस्टाग्राम पे डालना है, तो इंस्टाग्राम वीडियो डाल दिया। अब इसको देखूंगा तो इस तरीके से दिख रहा है, तो इसे डाउनलोड भी कर सकता हूँ बहुत इजीली, राइट। तो यहाँ से इसे डाउनलोड कर लूँगा। तो इस तरीके से आप बहुत सारे वीडियो एडिट कर सकते हो, आप बहुत तरीके की टेक्निक यूज कर सकते हो अपनी वीडियोस को और भी ज्यादा डिस्कवरेबल इंटरेस्टिंग बनाने की, और आप तरह तरह की चीजें इस टूल पे कर सकते हो। तो देखा आपने कि मैंने 3 वीडियोस में कितनी सारी चीजें कैनवा से रिलेटेड बता दी, और अगर आप एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर चुके हो तो आप भी बहुत सारी चीजें कर रहे होंगे इस टूल पे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ हार्डवेयर की बात करें, हम सॉफ्टवेयर लर्निंग पे भी जाएं तो हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, और एडिटिंग इसका एक एग्जांपल है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अभी तक हमने जो डिस्कशन किया वो सारे हम प्रैक्टिकल लर्निंग्स देख रहे हैं, राइट। अब ये जो प्रैक्टिकल चीजें हैं ना, ये आप कहाँ डालते हो? ये प्लेटफॉर्म्स पे डालते हो, प्लेटफॉर्म्स पे सीखते हो। प्लेटफॉर्म्स के लिए आपको इंटरनेट यूज करना पड़ता है। अब इंटरनेट यूज करना पड़ता है तो इंटरनेट में एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगली वीडियो में मैं ये डिस्कस करूंगा कि आप किस तरीके से इस प्लेटफॉर्म को, इंटरनेट के प्लेटफॉर्म को प्रोडक्टिवली यूज कर सकते हो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, यानी कि आप अपना टाइम खराब ना करो और आप इस प्लेटफॉर्म को यूज भी करो और वो आपके काम भी आए, चाहे आप स्कूल स्टूडेंट हो, चाहे आप कॉलेज स्टूडेंट हो, चाहे आप पेरेंट हो, चाहे आप टीचर हो, ये वीडियो आपके काम की होगी। तो अगली वीडियो को जरूर देखें। ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने करना स्टार्ट किया या नहीं करना स्टार्ट किया। साथ के साथ कोई आपका डाउट, कोई आपकी क्यूरियोसिटी जो इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो, इसके अलावा कोई सजेशन जो आप मेरे को देना चाहो कि सर इस टॉपिक पे हमें वीडियो चाहिए, तो मैं वो भी क्रिएट करूंगा। और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें इन वीडियोस को, इन टॉपिक्स को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये पता चले कि स्कूल में रह के भी हम चीजें सीख सकते हैं, इंटरेस्टिंगली सीख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी इन द नेक्स्ट वन।